जब तुम्हें जिक्र अल्लाह सुनना अच्छा लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बाना कहने के बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाता है। दरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है, इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जब तक किसी पर एहसान करे तो इसको छुपा कर रख, और जब तेरे साथ कोई एहसान करे तो इसको जाहिर कर। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। सच्चा सच्चाई के उस मर्तबे तक पहुंच जाता है जिसे झूठा मकरो फरेब से नहीं पा सकता। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। जो शख्स अपनी बातों में शर्मो हया साथ रखता हो वो अपने कामों में भी इससे दूर नहीं होता। दूसरों के हाल पर गौर करने से नसीहत हासिल होती है। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं पहचानता। ना हंजार लोगों से हाजत तलब करने से हाजत का पूरा ना होना बेहतर है। बुरी आदत एक जोर आवर दुश्मन है और ख्वाहिश परस्ती हलाक कर देने वाला साथी। दुनिया में सबसे कम सच्चाई और अमानत है और सबसे ज्यादा झूठ और खयानत है। फासिक की बुराई बयान करना गीबत नहीं। बूढ़े की राय जवान की कुव्वत और जोर से अच्छी है। झगड़े में कूदना इंतहाई आसान है लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल। जो अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है इसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। आलिम वही है जिसका अपने इल्म पर अमल है। सबसे बेहतर वो लुकमा है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। सबसे बड़ी खयानत कौम से गद्दारी है। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और नेमतों का हिफाजत शुक्र से करो। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा अल्लाह ही तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। आंसू का हर कतरा वो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँख से ना निकले। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आपकी तलवार तो बहुत तेज़ है मगर आपकी सवारी सुस्त है, क्या ही अच्छा हो अगर आप सवारी भी तेज़ रख लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, तेज़ सवारी की ज़रूरत दो किस्म के लोगों को होती है, एक वो जो मैदान से डर के फरार होना चाहते हैं, दूसरा वो जो भागते हुए पीछे यानी माले गनीमत के लिए करते हैं, और मैं दोनों ही काम नहीं करता। जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो उससे इतनी नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है।
जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बद जुबानों की जुबान बंद कर देता है। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। जिंदगी के तीन असूल बना लो, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, और उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। इससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। हमेशा ज़िंदगी में अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना सोने की प्लेट में और चांदी के मेज पर क्यों ना दिया जाए। रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसानों को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे। तीन रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी लिखना। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। दो चीज़ों के सवाब को तोला नहीं जा सकता, माफ़ कर देना और अदल करना। हज़रत अली के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हज़रत अली ने जवाब फरमाया, अगर एक घर फकीर का हो और एक अमीर का तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में जाएगा। हज़रत अली ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो, जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहाँ शैतान का क्या काम। कसाब आवाज़ लगा रहा था, ताज़ा गोश्त ले लो। वहाँ से हज़रत अली का गुज़र हुआ तो कसाब ने हज़रत अली से भी कहा, ताज़ा गोश्त ले लें। हज़रत अली ने फरमाया, आज मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। कसाब बोला, मैं आपसे उधार कर सकता हूँ। इस पर आपने एक बहुत ही हिकमत से लबरेज़ जुमला अरशाद फरमाया, ये उधार मैं अपने पेट से क्यों ना कर लूँ, जिसको मैं जन्नत में इससे बेहतर ग़िज़ा खिला सकता हूँ। जब इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता, जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज़ देखता है कि इसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता।